नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। शाम के 5 बजने वाले हैं और मेरा ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि कुछ स्पेशल बन रहा है। मैं हूं किचन में, आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि मैं किचन में हूं और किचन में कुछ स्पेशल बना रही हैं सुधा जी। तो दोस्तों, शाम के टाइम में आज बन रहा है मालपुआ। फिलहाल बहुत प्यारा दिख रहा है दोस्तों, तो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ मालपुआ। और सुधा जी एक बार घर पे भी बना चुकी हैं, तो यहाँ पे भी बना रही हैं। और क्योंकि दूध अभी आता है, तो हम लोग का जो है दूध फेट उठ के कैसे बनाया जाता है मुझे इसके बारे में पता नहीं है। ये हमेशा जब भी देखती रहती हैं तो अलग अलग रेसिपीज के बारे में देखती रहती हैं। अश्विन की देखिए, धीमा करिए, पहले तो अश्विन के कहने पे जो है आज मालपुआ बन रहा है। और ये तो फिलहाल जब भी वीडियो देखती हैं तो रेसिपीज का जो है बहुत सारा वीडियो हमेशा देखती रहती हैं। तो दोस्तों, इंतजार न कराते हुए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ मालपुआ कैसा दिखता है। ये देखिए, सुधा जी ने उठा के दिखा दिया एक मालपुआ, लेकिन मैं ढेर सारा पीस दिखाता हूँ। काफी अच्छा फूल रहा है दोस्तों, और ज्यादा फेटे नहीं। तो ये है दोस्तों मालपुआ, और इधर में देखिए बना रही हैं। और इधर में मटेरियल है इसका, दूध को फेट के किस तरीके से बनता है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसमें डल गया। और इसके बाद देखिए कितना बढ़िया ये दूध है। सोचिए दोस्तों, दूध जो है, दूध और आटा मिक्स करके, कुछ सूजी की भी मात्रा होती है। इतना प्यारा प्यारा यार, मस्त। और इसमें अच्छा खासा मिठास भी होगा। एक्चुअली जब दूध जो है हम लोग के घर में हुआ था, जब गाय बच्चा दी थी हमारी निक्की, तो उस टाइम में जो है बनाई थी ये, और काफी अच्छा लगता है। तो आज ये बहुत दिनों के बाद फिर से खाने को मिलेगा, तो टेस्ट करने के बाद बताऊंगा कि कैसा आया मालपुआ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है, गरम भी है यार। दोस्तों देखिए, मतलब रेसिपीज कैसे बन जाती है, दूध और सूजी। बताइए, कभी कोई समझ सकता है कि दूध को भी इस तरीके से छान के फुला फूल जाएगा दूध। और देखिए इतना बेहतरीन जो है, आटा है, तो आटा तो दूध में ही मिलाया गया है ना, तभी तो ऐसा टेस्ट आएगा। पानी तो मिला सकते हैं, पानी तो नहीं बनेगा उसमें, टेस्ट नहीं आएगा। तो दूध मिलाने पे उसका मालपुआ का एक नाम ही अलग हो जाता है। नहीं तो ऐसे आटे का भी बना सकते हैं हम, तो आटे का तो इस तरीके से तो कचौड़ी बनेगी, या सूजी बनेगी तो सूजी का भी कचौड़ी बनेगा, लेकिन दूध मिलाने के बाद में मालपुआ हो गया। मैं देख देख के भाई मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और इंतजार अभी नहीं हो रहा है, लेकिन गर्म है। मुझे लगता है कि जितना ठंडा हो जाएगा, हल्का फुल्का ठंडे के बाद इसका स्वाद और अच्छा आएगा। गर्म में तो खाने पे उतना मजा नहीं आएगा। देख रहे हैं दोस्तों, देखिए ये देखिए कितना बेहतरीन सूजा है। वाओ, छीन लिया, छीन के भाग गए। देखिए अश्विन के चॉइस का आज मालपुआ बना है, मस्त लगा है वैसे। अरे उस पर नहीं गिरा, ये तेल लग जाएगा पूरा। तो दोस्तों काफी टेस्टी है मालपुआ, मजेदार यार वाकई में। खत्म।